तो गाइज मैं पहुंच चुका हूं मोतीलाल ओसवाल टार, और जो मेरा कल का है इवेंट उसके लिए मुझे डिस्कशन करनी है यहाँ पे। तो स्वागत है गाइज एक और नए वीडियो के साथ। तो आज का वीडियो एक व्लॉग होने वाला है, और मैं जा रहा हूँ मुंबई की तरफ। एक और मीटिंग है इस बार, तो वो अटेंड करेंगे, और इस बार ज़्यादा घूमना फिरना नहीं होगा। तो जो जो जगह मैं जाऊँगा वहाँ का मैं आपको ज़रूर से बताऊँगा क्या है क्या नहीं। तो देखते हैं अभी कैसे क्या होता है। बाकी कैब आ गई है मेरी, तो एयरपोर्ट तक मुझे जाना है, डोमेस्टिक नहीं इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट T3। तो चलिए चलते हैं, और अपना सफ़र हो चुका है शुरू, देख लीजिए। तो गाइज मैं पहुंच चुका हूं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट T3, और अब मुझे अंदर जाना है। और अंदर तो हम किसी भी गेट से जा सकते हैं, तो आप थोड़ा नज़ारा ये देख ही पा रहे होंगे भीड़ कितनी ज़्यादा है यहाँ पे लगी हुई है इस टाइम। एयरपोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ सुबह हो शाम हो रात हो कुछ के एनी टाइम सब टाइम यहाँ पे भीड़ ही मिलेगी आपको, क्योंकि हर टाइम कोई ना कोई कहीं ना कहीं जा ही रहा होता है। तो आप ज़रा नज़ारा देखिए एयरपोर्ट का। चलते हैं हम आगे। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप अपना यहाँ पे ई टिकट आप कह सकते हैं, बोर्डिंग पास उसे निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी सुविधा है, आगे इससे आपका टाइम वेस्ट होगा नहीं, और मेरे पास लगेज भी ज़्यादा नहीं है, तो मुझे सबमिट भी कराने की कोई ऐसी खास आवश्यकता नहीं है। तो मैं यहीं से निकाल लेता हूँ, सीधा फिर अंदर जाऊँगा। तो गाइस सिक्योरिटी चेक एकदम सक्सेसफुली हो चुका है, और अब मेरे को सीधा अपने गेट नंबर 51 की तरफ जाना है। लगेज वगैरह कुछ सबमिट कराना नहीं है, तो यहाँ टाइम अपने बचा लिया है। और ये देख सकते हैं आप इंटरनेशनल डिपार्चर्स लिखा है सामने, तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स जिनकी हैं वो उधर से जाएंगे, और अब हमें तो डोमेस्टिक की तरफ जाना, तो डोमेस्टिक आई थिंक उस तरफ है, हमें थोड़ा चल के जाना पड़ेगा। और डोमेस्टिक्स की जहाँ से मतलब डोमेस्टिक डिपार्चर्स होंगे तो उधर से मेरे को जाना पड़ेगा। अब काम ये है कि अंदर भी एक बहुत ख़तरनाक चेकिंग होती है, इसमें पहले तो सारा आपको मतलब अपने जितने भी गैजेट्स वगैरह हैं, जैसे कि लैपटॉप हो गए मेरे पास चार्जर्स वगैरह हो गए, मोबाइल वगैरह, ये सब डालना पड़ेगा एक अलग ट्रे में। तो ये काम मुझे बहुत बेकार लगता है, लेकिन ये एक सिक्योरिटी मतलब है जो कि काफ़ी सही है, क्योंकि जब से 9/11 हुआ था 2001 में USA के अंदर, जब वो बिल्डिंग्स गिराई गई थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वगैरह, तो तब से ये जो चेकिंग है स्पेशली एट एयरपोर्ट्स वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई थी। पहले जैसे दिल्ली मेट्रो वगैरह है, दिल्ली मेट्रो जैसे है वैसी टाइप की पहले चेकिंग वगैरह होती थी नॉर्मल, जो एक आप ट्रेन में जाते हैं जस्ट अपना लगेज डालते हैं स्कैन करते हैं और पार कर जाते हैं उसको, वैसी होती थी। बट जब ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं तो रियलाइज़ होता है कि सिक्योरिटी क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है। और चलिए कोई बात नहीं, अब गो थ्रू करना ही पड़ेगा, कोई और चारा है नहीं अपने पास। ये देख सकते क्या लिखा है, तो मिलते हैं अब थोड़ी देर में आपसे, चलते हैं एक बार अंदर। सो गाइस सक्सेसफुली सिक्योरिटी चेक हो चुका है, और अब आप देख सकते हैं सब। और मैं आपको बताऊं तो ये देखिए आप, टॉमी हिल्फिगर, लाकोस्टी और यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन, ये सारे शोरूम जो आपको मॉल्स वगैरह में मिलते हैं, पूरा मॉल जैसा ही है ये। लेकिन डिफरेंस क्या है मॉल में और इसमें, कि इनके जो रेट्स हैं उनमें धरती आसमान का फ़र्क है। लाइक जो एक 20 रुपये की पानी की बॉटल होती है ना, वह 60 रुपये की मिलती है, कि पिछली बार मेरे साथ यही हुआ था, बट उस टाइम मेरे को पानी की बहुत प्यास लगी थी, तो मेरे पास कोई और चारा नहीं था,
तो मेरे को फिर वो लेना पड़ गया। लेकिन अगर आपकी नीड ना हो ना तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है आप ऐसे चीज़ें लेने की, ये बहुत एक्सपेंसिव मिलता है। तो चलिए अब गुड मॉर्निंग, काफी लोग हैं जो आराम आराम से जाते हैं। 23F दिस वन। तो गाइस लैंड कर चुके हैं मुंबई और अभी मैंने टैक्सी मंगवाई है बाहर, तो जस्ट उसमें बैठूंगा, होटल जाऊंगा, थोड़ा फ्रेश अप होऊंगा, उसके बाद जाना है मोतीलाल ओसवाल टावर अब वहाँ की अपनी टीम से मिलने के लिए, क्योंकि उनसे कांटेक्ट कर लेना बहुत ज़रूरी है कल के इवेंट के लिए। और आप देख सकते हैं ये और ये देखिए हमारा मोतीलाल का ऐड भी चल रहा है यहाँ पे। तो जब भी मोतीलाल का नाम देखते हैं, बहुत बड़ी ब्रांड है ये और मैं कहूँगा आने वाले टाइम में बहुत सही से कैप्चर कर लेगी स्टॉक मार्केट में। बिल्कुल जो बाकी अभी है ना थोड़े बहुत मुझे जो लगते हैं ब्रोकर्स वगैरह, जैसे एंजल वन ब्रोकिंग और ये जीरोधा वगैरह, ये एक टाइम में देखना ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जब जो हमारी यंग जनरेशन है जब उनका ये बात का एहसास होगा कि नथिंग कम्स फॉर फ्री, तो बहुत सही हो जाएगा। इस पर भी कभी मैं डिटेल में बात करूँगा बट अभी नहीं, बट हम चलते हैं। तो भाई ये बेसिकली उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे आपका लगेज जो है जो आप सबमिट वगैरह करवाते हैं ना वो आता है इधर पे फ्लाइट से सीधा निकल के, आपको इसको बेल्ट बोलते हैं। इन बेल्ट के पास आपको आना पड़ता है, ये 12 नंबर बेल्ट है, ये 11 ऐसी आगे 13, 14, 15 ऐसे होगा। तो आपको जब भी मतलब वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है प्लेन के अंदर, जो भी कैप्टन होते हैं और जो उनके को पायलट होते हैं, फर्स्ट ऑफिसर जिसे बोलते हैं, वो लोग अनाउंसमेंट करते हैं कि किस बेल्ट पे क्या मतलब आपका लगेज मतलब पर्टिकुलर फ्लाइट का आता है ना हर का, तो उसकी अनाउंसमेंट होती है कि मतलब हमारी जो फ़्लाइट है उसका लगेज इधर पर आएगा, फिर आप सिमिलरली उसे ले सकते हैं। तो अभी मैं तो बाहर की तरफ जा रहा हूँ और थोड़ा मैंने घूम लिया ताकि आपको मैं दिखा सकूं कैसा क्या होता है। थोड़ी बहुत बारिश आई हुई है बॉम्बे में, आप देख सकते हो पूरी सड़कें गीली पड़ी हुई है सामने। तो गाइस आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, उसके बाद फाइनली मैं अपने होटल पहुंच चुका हूं यार। तो थोड़ी देर जस्ट यहाँ पे हल्का फुल्का रेस्ट करेंगे, फिर मेरे को जाना है अपनी टीम से मिलने के लिए, कल की प्लानिंग वगैरह करनी कैसा क्या होगा, तो बस इसी काम से। तो मैं ज़रा अभी चेक इन कर लेता हूँ पहले, फिर मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस कुछ इस तरीके का है मेरा रूम, आप देख ही सकते हैं, वहाँ वॉशरूम है इधर ये, बाकी आप कह सकते हैं इतना हाईफाई नहीं है और लग्जरी नहीं है रूम। मैं सिंगल ही आदमी हूँ, अभी अकेला हूँ, तो मेरे को और 2 दिन के लिए ही हूँ मैं, ज़्यादा दिन तो हूँ नहीं,
तो मैंने सोचा कि इतना लग्जरी रूम लेके क्या फ़ायदा है, तो एक दो दिन काटने जैसे जैसे करके काट लूँगा, तो इसलिए मैंने नॉर्मली रूम लिया है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, और अभी मैं थोड़ा फ्रेश होता हूँ, मेरे मोबाइल में बैटरी भी बहुत कम है, फटाफट से चार्ज करता हूँ ताकि आज का दिन एटलीस्ट निकल जाए। और टीम से मिलना है कल के, प्लान्स डिस्कस करने कल कैसा क्या रहेगा, और खाना पीना भी उन्हीं के साथ है, मेरा टीम वालों के साथ, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कल के लिए। और मेरे लिए लर्निंग है, एक्सपीरियंस है, अभी मैं 21 साल का ही हूँ जस्ट, तो अभी तो बहुत दूर जाना है, मतलब अभी मेरे बहुत दिमाग में प्लान्स हैं क्या क्या करना है। अभी मैं बताना बहुत, मतलब मैं मुनासिब नहीं समझता कि मतलब मुझे बताना चाहिए अभी किसी को, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब तक आपके गोल्स कंप्लीट ना हो जाएं तब तक आपको उन्हें डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। सो जस्ट अभी मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, रिलैक्स कर लेता हूँ, फ्रेशन अप हो जाता हूँ, और फिर मैं अपनी मिलने जाता हूँ टीम से। तो मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस आप ये सामने देख सकते हैं, ये शिवसेना का भवन है, मतलब आप हेड ऑफिस कह लीजिए बाला साहेब ठाकरे का। अभी जो इस पर मतलब अभी बैठे हुए हैं वो तो इनके बेटे हैं उद्धव ठाकरे, बट जब शिवसेना अभी डिसाइड नहीं हुआ एक्चुअली मिलेगी किसको, तो उसके बाद ही ये पता चलेगा कि अब ये मेन किसका है। लेकिन आप देख सकते हैं तो गाइज मैं पहुंच चुका हूं मोतीलाल ओसवाल टावर, और जो मेरा कल का है इवेंट उसके लिए मुझे डिस्कशन करनी है यहां पे। तो मैं अपने जो भी है मेरे को मतलब थोड़ा गाइड करेंगे सबके बारे में, उनसे ज़रा मैं मिल लेता हूं, और उनको अभी कॉल करना पड़ेगा, तो वो आएंगे फिर नीचे, फिर मुझे ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली तो मैं ऊपर जा नहीं पाऊँगा। और ऐसा अभी कोई आई डी कार्ड वगैरह भी नहीं है, मुझे मिलेगा विजिटर्स पास वगैरह जो भी होता है तभी मैं अंदर एंट्री ले पाऊँगा। तो चलिए कॉल कर लेता हूँ एक बार मैं उन्हें, फिर ऊपर चलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ ऊपर का नज़ारा। तो गाइस मैं अपनी सीट पर बैठ चुका हूँ, और आप देख सकते हैं हमारे टर्मिनल। अभी सब लोग काफ़ी बिजी हैं, तो कुछ नया सीखने के लिए मैं आया हूँ, प्लस कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी लेनी है, इवेंट तो है ही है साथ में ट्रेनिंग वगैरह, उसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। एंड आने वाले दिनों में हो सकता है मैं यहीं आ जाऊँ, किसको पता है, बट वो अभी एक सस्पेंस ही रहेगा कि आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। तो गाइस फाइनली मेरी मीटिंग हो चुकी है मेरी टीम से, और कल के बारे में कैसे क्या करना है सब डिस्कशन मैंने कर लिया है। अब मैं जा रहा हूँ सिद्धि विनायक मंदिर, मंदिर में दर्शन ले लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी नया काम आप स्टार्ट करें तो लॉर्ड की आपके साथ हमेशा बेस्ट विशेस, मतलब उनका आशीर्वाद हमें ले लेना चाहिए। और क्योंकि कल मैं और परसों दोनों दिन बिजी रहूँगा, परसों तो वापस ही जाऊँगा, तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिलेगा कि मैं सिद्धि विनायक मंदिर के दर्शन कर लूँ। तो मैं अब सीधा यहाँ से जाऊँगा सिद्धि विनायक मंदिर, और ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही में है, और थोड़ा मैं गूगल मैप में लगा के देख लूँगा किधर का वॉकिंग, निकल जाता हूँ घूमते घूमते। आप देख सकते हैं यह है प्रभा देवी एरिया, और यह है हमारा मोतीलाल ओसवाल टावर। तो गाइस यह है प्रभा देवी, तो यही वही एरिया है जहाँ पर हमारा मोतीलाल ओसवाल टावर है। मैं थोड़ा सा आगे निकल गया हूँ उससे, तो आप देख लीजिए पॉश लोकेशंस के अंदर आता है सारे ऑफिसेज वगैरह, यहीं पे आपको घर वगैरह तो कमी देखने को मिलेंगे, बाकी ये लग रही है मुझे रेजिडेंशियल एरिया है ये शायद सामने वाला, लेकिन जो पीछे वाले एरिया था ना वो पूरा ऑफिसेज वाला था। देखिए तो गाइस मैं घुस रहा हूँ सिद्धि विनायक मंदिर, यहीं खड़ा होके मैं ले लेता हूँ क्योंकि उसके बाद अलाउड नहीं होता। तो गाइज ये वो मूषक महाराज है जिनके कान में अगर आप अपनी कोई भी ख्वाहिश मांगते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वो पूरी हो जाती है, लेकिन आपको किसी को बताना नहीं होता कि आपने क्या ख्वाहिश मांगी थी। सो गाइज दर्शन हो चुके हैं, काफ़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं इस एरिया से, देख सकते हैं आप, ये सारी प्रसाद वगैरह आप ले सकते हैं, मतलब चुन्नी वगैरह
और जो कोकोनट मिलता है वो सब, और चढ़ाकर फिर वो आपको वापस मिल जाता है। तो अभी मैं अपनी तरह कैब मंगाई है मैंने, अब मैं होटल की तरफ वापस जाता हूँ और फिर कल तो जाना ही है अपनी मीटिंग पे। तो बस आज के लिए तो बस यहाँ से इतना ही है, कुछ अब खास करना नहीं है काम। पटाखे वगैरह काफ़ी फूट रहे हैं यहाँ पे इस एरिया में, क्या रीज़न है मेरे को आइडिया नहीं। दशहरा भी निकल गया, गणपति मतलब वो गणेश चतुर्थी भी निकल गई, अब आइडिया नहीं मेरे को क्यों क्या सेलिब्रेशन है। हो सकता है दिवाली के लिए कुछ एडवांस में ये लोग कुछ सेलिब्रेशन वगैरह करते हो, तो वो तो पता चलेगा, पूछता हूँ यहाँ किसी से। सो गाइस मैं अपने रूम पर आ चुका हूँ और आज का दिन तो मेरा हो गया ख़त्म। बाकी आप देख ही सकते हैं ये मेल आई थी मोतीलाल की तरफ से, तो कल के रजिस्ट्रेशन का डिटेल मतलब क्या रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो मैं रजिस्ट्रेशन अपने मोबाइल के थ्रू करूँगा। बाकी कुछ चीज़ें जो कि ध्यान जिनका मुझे रखना है वो मैं पढ़ रहा था, ये इम्पोर्टेंट मेल आई है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो मैं थोड़ी पढ़ाई भी कर रहा था, जो मैंने प्रोफेशनल कोर्सेज में अपने आप को एनरोल किया हुआ है उनकी, क्योंकि अब मैं आया हूँ तो फिर वैसे तो मैं घर पर आराम से पढ़ता हूँ, बट मैंने कहा कि अब खाली बैठे रहने से बेटर है कि थोड़ा पढ़ लो, जितना मैक्सिमम टाइम मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ अपनी पढ़ाई की तरफ वो मैं कर रहा हूँ। एंड आई होप आपको जो भी अगर मैं जगह दिखाई आपको ज़रूर से वो पसंद आई होंगी। एंड जब भी आप मुंबई आएँ तो आप मुझसे ज़रूर अगर आप चाहें तो पूछ सकते हैं कि कौन सी जगह अच्छी है, क्योंकि मैं काफ़ी मुंबई आ चुका हूँ तो मुझे लगभग अब आइडिया हो चुका है इस जगह के बारे में। सो आप मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर से चेकआउट करिए, क्योंकि मैं सिर्फ व्लॉग्स ही नहीं बनाता, मैं फाइनेंस पे भी बातें करता हूँ, किस तरह से आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए उन पे मैं बातें करता हूँ, और साथ ही साथ करंट अफेयर दुनिया की देश विदेश की खबरें वो उसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि उसका भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में क्या चल रहा है वो बहुत डिपेंड करता है हमारी मार्केट के ऊपर। ठीक है, तो आज का वीडियो हम करते हैं एंड आई होप आपको ये ज़रूर से पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।